हेलो फ्रेंड्स, आपका वापस से स्वागत है फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में। तो हम पार्ट टू लेके आ गए हैं बीएमएम मीडिया साइकोलॉजी का। तो हम लोग का आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट है गोल ऑफ साइकोलॉजी। तो पहले हम लोग गोल ऑफ साइकोलॉजी करेंगे और उसके बाद करेंगे ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। ये देखिए मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व। मैंने ये शॉर्टकट में लिखा है ताकि इजीली हम लोग जब रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग को याद आए। द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू ऑब्जर्व डिस्क्राइब द डिफरेंट वे इन विच ह्यूमन बीइंग बिहेव। हम लोग का बिहेवियर ऑब्जर्व करना ये फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी है। तो उसको डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर करके आप जैसे क्वेश्चन आया व्हाट इज अ गोल ऑफ साइकोलॉजी, तो आप उसको डेफिनेशन आप बुक से प्रीफर कर सकते हैं और उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर में आपको क्या लिखना है, द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट वे इन विच ह्यूमन बींग बिहेव। ह्यूमन बींग कितने डिफरेंट वे में बिहेव करता है वो सब ऑब्जर्व। सेकेंड पॉइंट है एक्सप्लेनेशन टू बिहेवियर। तो एक्सप्लेनेशन टू बिहेवियर इसमें क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ बिहेवियर। तो एक्सप्लेनेशन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर इज वन ऑफ द लिटिल यूज एंड इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ बिहेवियर। हम लोग को एक्सप्लेन करना है बिहेवियर का कॉजेस क्या है, बिहेवियर क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है वो हम लोग को ये सेकेंड है हम लोग सेकेंड गोल ऑफ साइकोलॉजी टू एक्सप्लेन टू बिहेवियर। उसको हम लोग को कॉजेस मतलब कॉज क्या है उसका बिहेव करने का वो सब प्रिडिक्ट करके उसको बताना है। थर्ड है प्रिडक्शन ऑफ बिहेवियर। प्रिडक्शन ऑफ बिहेवियर द थर्ड गोल, तो इसमें लिखा है प्रिडक्टिंग ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू प्रिडक्ट अ बिहेवियर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज ऑफ बिहेवियर हेल्प साइकोलॉजी इन प्रिडक्टिंग फ्यूचर बिहेवियर। सो हम लोग को मतलब पहले ही हम लोग गुस्सा कर रहे ये सब का फ्यूचर, हम लोग गुस्सा करने वाले हम लोग क्या करने वाले मेंटली इमोशनली, तो हम लोग को प्रिडक्ट, ये हम लोग का थर्ड गोल है साइकोलॉजी प्रिडक्शन प्रिडक्ट करना। सो इट इज अ थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजी। फोर्थ हम लोग का है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर इज टू इन्फ्लुएंस और द चेंज बिहेवियर। कंट्रोल ऑफ बिहेवियर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इज टू इन्फ्लुएंस और अ चेंज बिहेवियर इन द वे दैट आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी सजेस्ट वे बाय विच वी कैन मेक लर्निंग इन स्कूल इजियर फॉर स्टूडेंट, हेल्प स्टूडेंट कोप विद एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंड सो ऑन। हम लोग कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर मतलब दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, किसी की मदद करना, किसी और के इमोशन को मदद करना। जैसे एग्जांपल है कि स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाई इजी करवा सकते हैं, हेल्प स्टूडेंट कोप विथ एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंड सो ऑन। जो लोग का स्ट्रेस वगैरह रहेगा हम लोग साइकोलॉजी उनको मतलब मोटिवेट कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं आप बस पास हो जाओ, आप बस ये इतना ईजी है, टीचर बोलती है ईजी है। तो ये कंट्रोल ऑफ बिहेवियर दूसरों को इन्फ्लुएंस करना और उनके बिहेवियर में चेंज करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो ये कुछ 10 पॉइंट है, आप इनमें से 4 या 3 लिख ले, मतलब जैसे आंसर आएंगे जितने मार्क्स का आंसर आएगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी और द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो सबसे पहले आएगा बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी का है बायोलॉजिकल फर्स्ट है। तो एक्सप्लेन बिहेवियर मींस इसका क्या डेफिनेशन क्या होगा, द बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल मतलब सब अपना बॉडी से रिलेटेड। तो इसकी जो मतलब ये है तो डेफिनेशन, अ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट tries to explain behavior in term of biological factor such as electrical and chemical activities in nervous system। जो हम लोग के बॉडी के अंदर होता है तो साइकोलॉजिस्ट जिस बिहेव को बताना चाहता है वो सब हम लोग जो बॉडी से रिलेटेड है वो बायोलॉजिकल इसमें आएगा। सेकेंड है एक्सपेरिमेंटल, तो हम लोग ने लिखा है फंडामेंटल कॉसेस। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रहता है द फंडामेंटल ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब जो बिहेवियर हम लोग का होता है उसके फंडामेंटल मीन्स दिस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट tries to understand the fundamental causes of behavior. उसका causes क्या है, they conduct experiment to study how people and animal react to sensory stimuli and perceive the world. Experimental psychology also study how people learn, remember, reason and respond emotionally. How we learn, हम लोग को कैसे learn होता है, जोर से चिल्ला के, book लिख के, तो वो सब एक्सपेरिमेंटल हम लोग कर रहे हैं मतलब फिजिकली कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। काफी स्टडीज हुई है कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, खट्टा है, तो हम लोग का बिहेवियर जो एक्सपेरिमेंटल है सो एक्सपेरिमेंट
तो इसका आएगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फिर थर्ड आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निशन रिफर टू थिंकिंग एंड देखो काफी वर्ड्स का प्रॉब्लम है तो आप उस वर्ड्स को नेगलेक्ट करो। तो साइकोलॉजी इन दिस स्टडी नॉर्मल मेंटल प्रोसेस सच एज अ थिंकिंग। ये जो है हम लोग का ये जो इस टाइप का है साइकोलॉजी, तो हम लोग का कौन से फील्ड में स्टडी करता है? मेंटल प्रोसेस सच एज अ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम लोग का थिंक करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की मीन्स मेंटल प्रोसेस सब इसमें आता है। अब आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करने मतलब जो डेवलप्ड होते हैं हम लोग के ह्यूमन बिहेवियर चेंज टेक प्लेसेस, हम लोग जो डेवलप करते हैं अपने बिहेवियर्स में हम लोग के उसमें, तो वो आएगा देखिए इसमें लिखा हुआ है चेंजेस दैट डेवलपमेंट, मतलब जो चेंज करता है हम लोग के बिहेवियर वो डेवलपमेंट में आता है। सोशल, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना वो सोशल में आता है। क्लिनिकल, ट्रीटमेंट जो रहता है पागलों का ट्रीटमेंट, मेंटली जो डिसेबल मतलब मेंटली जो मतलब हरकतें करते हैं उनको हम लोग वो ट्रीटमेंट करना वो आता है क्लिनिकल में। एजुकेशन में आता है हाउ वी एजुकेटेड, मीन्स हम लोग को स्टडी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड पहले मतलब एजुकेशनल में हम लोग क्या क्या मदद कर सकते हैं। पीपल मीन्स जो मीडिया है उसको जल्दी प्रिजर्व करती है, जो हम लोग ऐसे बुक से पढ़ाते हैं उससे अच्छा सामने से पढ़ाने से ज्यादा पीपीटी वगैरह पढ़ा के देने में ज्यादा दिमाग में आता है, तो वो हम लोग एजुकेशनल के फ्रेंड में कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड, अभी हेल्थ रिलेटेड आएगा मीन्स अ हेल्थ साइकोलॉजी स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज अ वर्क, जो हम लोग का स्ट्रेस रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मीन्स हम लोग को बीच बिहेवियर में प्रॉब्लम आता है, सिटी लाइफ, इकोनॉमिक का प्रॉब्लम, सब जो प्रॉब्लम रहता है वो सब हेल्थ रिगार्डिंग में आता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजर स्टडी ऑफ पीपल, जो हम लोग के इंडस्ट्री में मतलब पीपल जो वर्क करते हैं उनके बारे में पढ़ना, वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, वो इतना फास्ट काम क्यों कर रहे हैं या फिर वो इतना घटिया काम क्यों कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में बारे में पढ़ना वो आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। उसके बाद है इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन फैक्टर, हाउ वी वर्क मतलब हम लोग का रिलेशनशिप है जो मशीन के साथ वो कैसा है, वो इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में आते हैं। और ऐसे काफी साइकोलॉजी है जो काफी और भी है, इनके 17-18 मतलब काफी है, रुकना है नामुमकिन है पॉजिटिव। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसके लिए मैंने इनको कवर किया। आप इनमें से एग्जाम में 4 भी लिख दोगे और उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो काफी मार्क्स मिलेंगे। और एक्सप्लेन करना बहुत इजी है। बायोलॉजिकल मींस बॉडी, एक्सपेरिमेंट मतलब फिजिकल, कॉन्गेंटिव मतलब जो थिंकिंग एक्वायरिंग, डेवलपमेंट मतलब जो डेवलप्ड रहता है, सोशल मींस इन्फ्लुएंस, क्लिनिकल मींस ट्रीटमेंट, एजुकेशनल मींस कैसे सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को आगे, हेल्थ मींस जो स्ट्रेस वगैरह होता है, और इंडस्ट्री मींस जो इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, और इंजीनियरिंग मींस नॉट अ फुली इंजीनियरिंग बट मशीन और मैन के बीच में रिलेशन। तो आपको ये सेकेंड पार्ट हो गया हम लोग का, तो हम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको टाइम टेबल भी शो कर देता हूं कि बीएमएम यूनिवर्सिटी का सेकेंड सेम का टाइम टेबल क्या है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को ये वीडियो सजेस्ट हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल, ताकि हम दूसरों तक अपनी बातें और ये फ्री का एजुकेशन पहुंचा सके। थैंक यू।